हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो आपको जैसे हमने बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो होता है कि आपके सॉल्यूशन में कुल कितनी क्वांटिटी में बेसिकली सॉल्यूट प्रेजेंट है, या ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन के बेस पे कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि आपने जब ये सॉल्यूशन बना रहे थे तब उस समय आपने कितना सॉल्यूट लिए थे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इसी को और एक तरीके से बोला गया बेसिकली कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। अब यहाँ जो वर्ड है क्वांटिटेटिवली, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी लिए थे विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको एक्सप्रेस करने के 8 डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है हमको केमिस्ट्री। चलिए आज हम उसका सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज मास परसेंटेज। तो आप सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है मास परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, दैट इज मास परसेंटेज, तो जो भी चीज़ें हम डील करेंगे यहाँ पे वो हम 100 पार्ट्स के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ओके, बिकॉज परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द 100 पार्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं मास की बात कर रहे हैं, तो जो आपने सॉल्यूट मिलाए हैं, ओके, उसका टोटल जितना मास, जितना आपने बेसिकली सॉल्यूट डाले उसके मास की बात कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, कि आपने सॉल्यूट जो है कितना मास, कितना लिए हैं आपने बेसिकली पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूशन। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बनाने के लिए आपने कितना जो है मास लिए थे ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इसी के लिए स्टूडेंट्स इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। जो ऊपर वाला W है वो मास दिखाता है सॉल्यूट का, और अपर वाला जो W है वो दिखाता है मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बोलता हूँ, इसका मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सिंपली कर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सिंपली इसको रिप्रेजेंट करूँगा मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या फिर इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ सिंपल टर्म्स में कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल समझते हैं जिससे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है कि इफ 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर देन डिटरमाइन द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि दोनों मास में दिया हुआ है, चाहे आप सॉल्यूट की बात कर लें चाहे सॉल्वेंट की बात कर लें। सॉल्यूट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। अगर हम दोनों का देख रहे हैं तो हमको मास पता है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है एंड 90 ग्राम जो है वाटर है, तो हमको निकालना है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज तो बाई डिफॉल्ट मास परसेंटेज पे आ जाएगा, तो हम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे परसेंट कॉन्सेंट्रेशन या फिर मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन का मास चाहिए तो दोनों को प्लस करके ला लेंगे एंड इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 ग्राम अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 10 प्लस 90 दैट इज 100 एंड इनटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 10% यू विल गेट द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।